कल इल्हाम से वो लैंटर्न टूट गया था, तो इसलिए मैंने आज ये वाइट पेपर पे लैंटर्न ड्रॉ कर ली है। अभी बस मैं इसको एक सिलेंडर शेप में फोल्ड करके ग्लू से स्टिक कर लूँगी और जितना लैंप का साइज है वो कट करके उसमें लगा दूँगी। तो बस इस तरह ये अच्छा लग रहा है, लिहाज से बना लिया है और ऐसा लग रहा भी नहीं है कि मतलब बुरा भी नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है। इशाल को भी बहुत पसंद आया, वो भी बोली थी मम्मा बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत क्यूट लग रहा है। What happened, Ilham? It's broke. Make it again, no problem. 3:30 बज गए, बस अभी मैं ग्रोसरी जा रही हूँ, कुछ सामान लेके आना है। इशार का कुरान टाइम भी होने वाला है, इसके लिए लैपटॉप रख दिया यहाँ पे, कुरान भी यहाँ पे रख दिया। इंशाल्लाह नमाज पढ़ के घर जाएगी। चलो Ilham, let's go grocery. तो आज हम बना रहे हैं फ्रूट चाट, क्रीम है, कंडेंस मिल्क और स्वीट मेलन, ग्रेप्स, एप्पल, मैंगो, बनाना और ये वाटरमेलन, इसको अलग काटेंगे। आज भी रूह अफजा इशाल ने बनाया है, सिर्फ उसमें मिल्क ऐड करना है। तुक मलंगा और शुगर उसने घोल के रख दिए और अभी बोलती है कि फ्रूट मुझे भी काटने हैं आपके साथ में, तो मैं आपकी हेल्प करूंगी। तो मैंने बोला ठीक है चलो हम दोनों बैठ के फ्रूट चाट बनाते हैं। जब से बारिश हुई है ना तब से हमारे विला में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम चल रहा है, तो बार बार ब्रेकर डाउन हो जाता है। एक लाइन आ रही है और लाइट और फैन बंद हो गया है। तो इल्हाम बोली लाइट चली गई, मम्मा मैं बोलती हूँ आ जाएगी वापस। और उसके बाद में जो वॉशिंग मशीन थी वो भी 2 दिन से ख़राब पड़ी है। सिर्फ आधा डालने में इसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। रूअफ़ा और फ्रूट चाट तो रेडी हो गई है और ये जो फिश है कल रात में आंटी ने दी थी तो वो भी अभी फ्राई कर लूँगी। पकौड़ों के लिए बैटर भी तैयार कर लिया है और एक बैगन है और एक आलू है, उसको भी फ्राई कर लूँगी। ये जो रेड वाली कैंडल थी ये फिनिश हो गई थी, तो अभी मैं ये कैंडल का सेट लेके आई हूँ। ये वनीला सेंटेड है तो मैं डेली इसको इसमें जला के इसी कप के अंदर रख देती हूँ। कल का लेफ्टओवर चना चाट बचा है,
पुडिंग बची है, चटनी है, आज फ्रूट चाट बनाई है, थोड़े से पकौड़े फ्राई करूँगी और आलू और शाल के लिए हरी से और फिश फ्राई करूँगी। माशाल्लाह पूरा दस्तरखान हमारा रेडी हो गया, बस अभी इसको अरेंज करना है। अभी 5:15 बजे हैं तो बस थोड़ी देर के बाद ही मैं भजी फ्राई करूँगी, मतलब 6 बजे तक कर लूँगी। दोनों बच्चे बैठ के प्रॉफिट स्टोरीज देख रहे हैं, उनको मैंने बोला रमज़ान में कोई उल्टे सीधे वीडियोस नहीं देखना, सिर्फ यही देखना मुस्लिम स्टोरीज और वीडियोस फॉर किड्स, मुस्लिम किड्स और प्रॉफिट स्टोरीज। कपड़े सारे सूख गए, अभी इसको फोल्ड करती हूँ। कपड़े फोल्ड कर लिए, अभी 6 बज चुके हैं और आज मैं बराबर टाइम पे किचन में आ गई हूँ, तो आज ऑन टाइम इफ्तारी रेडी हो जाए। साथ साथ मैं पकौड़े फ्राई कर रही थी और इशार को मैं बोल रही थी कि आस पड़ोस में जाके इफ्तारी दे के भी आ जाए, तो हरीसा भी आ गया था आज, हरीसा भी मैंने गर्म कर लिया था। और आंटी को मैंने बोल दिया था आज मेरे साथ ही रोज़ा खोल लें, क्योंकि मैं भी अकेली हूँ और आप भी अकेली हैं, रमीश तो पता नहीं कब आएंगे, तो आप डेली हमारे साथ ही रोज़ा खोल लिया करिए। तो आज आंटी भी आ गई थी। अल्लाहुम्मा कसम तो वाला रिस्के का अफ्तर तो वाले का तो। चाय मैंने अपने लिए बना ली है, बना के मैं कपड़े फैलाने चली गई थी तो चाय मेरी ठंडी हो गई है। और रमज़ान की बरकत है, माशाल्लाह खाना इतना ज़्यादा हो रहा है, ख़त्म ही नहीं होता, डेली इतना खाना आ जाता है, जबकि घर में मैं थोड़ा भी कुछ बना लेती हूँ तो इतना ज़्यादा हो जाता है। आज खाली मैंने भजिए बनाए, वो भी पूरी की पूरी प्लेट ऐसी रखी है, और जबकि मैंने बाहर 2 लोगों को इफ्तारी भी दी है, आंटी ने भी मेरे साथ ही मतलब रोज़ा खोला, और रमीश तो आते ही नहीं है, और जब आएँगे मतलब रात में ही आएँगे 8:30 के बाद, तो जब आते हैं तब वो खाते हैं, लेकिन वो भजिए पकौड़े कुछ नहीं खाते, सिर्फ फ्रूट चाट या चना चाट वो खा लेते हैं। ओके, चौथा पारा खत्म हो गया है, अभी नमाज पढ़नी है ईशा की। ये वाला एक्सटेंशन जो था ये फ्रिज में लगा था, तो उसको मैंने निकाल के यहाँ लगा दिया, और जो यहाँ वाला था वो मैं अब मैं फ्रिज में लगाऊंगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे खराब हैं, सिर्फ एक दो ही चलते हैं, तो उसको मैं फ्रिज में लगा दूंगी, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही स्विच का काम है, बाकी जो पुराना था तो यहाँ पे ही है, क्योंकि इधर इतने सारे सॉकेट हैं और चार्जर जब भी लगाओ तो चार्जर नहीं चलते, लैपटॉप का नहीं चलता, कभी आईफोन का नहीं चलता, तो इसके लिए 3 तो आईफोन वाले चाहिए हमारे को, एक लैपटॉप का चाहिए, फिर एक ये नाइट लैम्प का चाहिए, और एक ये जो LED लगाई है उसके लिए चाहिए, तो इतने सारे हैं, और प्लस ये जो लैम्प है बड़ा वाला वो कहाँ गया, ये लोग ने कहाँ फेंका है। वेयर इज द बिग लैम्प इल्हाम विशाल, वेयर इज द बिग लैम्प, वेयर इज इट, वेयर इज इट, देयर, हाँ इज देयर। और आपने हम वो बिटियो, ईशाल बिटियो, आप ही बिटियो, हाँ और आपने सुना